आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एडर, सबट्रैक्टर। एडर में हम लोग हाफ एडर पढ़ते हैं, फुल एडर पढ़ते हैं। हाफ एडर जो होता है जिसमें हम लोग टू बिट्स का एडिशन करते हैं, एंड फुल एडर होता है उसमें हम लोग 3 बिट्स का एडिशन करते हैं। उसी तरह से हाफ सबट्रैक्टर होता है और फुल सबट्रैक्टर भी होता है। उसके बाद बहुत सारा चीज हम लोग इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसमें मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, फिर डिकोडर पढ़ेंगे, इनकोडर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ एडर, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट चीज है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का है, वो है हाफ एडर। तो हाफ एडर का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका ट्रुथ टेबल, इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम, ये कैसे काम करता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें हाफ एडर का, तो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू बिट्स इज कॉल्ड ए हाफ एडर। वो क्या करता है, यह क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो क्या करता है, 2 बिट्स का को एड करता है। दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 बिट्स इज कॉल्ड ए हाफ एडर, इट इज कॉल्ड ए अरिथमेटिक सर्किट। तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक सर्किट भी कहलाता है। अब इसका हाफ एडर का हम लोग क्या देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। एक ब्लॉक है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, एक दैट परफॉर्म 2 बिट्स एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 2 इनपुट डालेंगे, 2 इनपुट्स सपोज ए और बी, 2 इनपुट्स चूज करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया इनपुट्स। यहाँ पे ब्लॉक क्या परफॉर्म होगा, यहाँ पे ऑपरेशन होगा एडिशन का। उसके बाद हम लोगों को 2 आउटपुट्स मिलेगा, एक हमको मिलेगा सम, दूसरा मिलेगा कैरी। ये मेरा क्या है आउटपुट्स है, ये इनपुट्स है, ये मेरा आउटपुट्स है। तो कोई भी जब हम लोग एडिशन करते हैं कोई भी बिट्स का, तो चाहे वो डेसिमल में करते हो या बाइनरी में करते हो या फिर हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल, ये सारे नंबर्स का ये हम लोग क्या करते हैं, सारे नंबर सिस्टम को हम लोग एडिशन करते हैं। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम एडिशन यहाँ पे हम लोग करेंगे अगर हाफ एडर का है, तो सम मिलेगा और उसके साथ साथ हम लोग को कैरी भी मिलेगा। तो ये क्या है, सिंपल क्या है, ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है। अब इसके बाद हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल क्या है। तो दो पहले अंदर क्या लिखेंगे, इनपुट्स, इधर आउटपुट। इनपुट्स में मेरा क्या क्या है, ए एंड बी, आउटपुट में मिला सम एंड कैरी। हम लोग यहाँ पे कितना इनपुट्स ले रहे हैं, 2 इनपुट्स, तो 2 बिट्स हम लोग ले रहे हैं, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा 4। कैसे बनेगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इतना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा। अब सम कैसे करते हैं, 0 प्लस 0 का सम करेंगे तो मेरा 0 आएगा, एंड कैरी भी क्या होगा 0। 0 प्लस 1 को सम करेंगे तो 0 प्लस 1 1 होता है, कैरी क्या होगा 0 होगा। 1 प्लस 0 सम 1, कैरी 0। अभी मेरा 1 प्लस 1 बाइनरी एडिशन हम लोग और नंबर सिस्टम जब पढ़े थे तो वहां पे हम लोग पढ़े थे, तो 1 प्लस 1 का सम क्या होता है 0 होता है, और कैरी क्या होता है 1। 1 प्लस 1 0, ये कैसे होता है इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा क्या है, ये सम है और ये कैरी है। तो अब हम लोग सम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सम इक्वल टू लिख सकते हैं एस। सम इक्वल टू जहां जहां हाई है, क्या है मेरा हाई आया है, दिस ये है और ये है, 1 1 ये हाई है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जहां जहां 1 है, ए बार बी, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बार बी, क्योंकि 0 1 आया है तो ए बार बी प्लस क्या, और 1 1 में ए बी बार इतना आया, सम इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए जोर बी, ए जोर बी भी लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन एम इक्वल टू कहाँ पे आया 1 2, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये मेन टर्म में है, ये एसओपी में है और ये मेरा ये जोर में है। अब हम लोगों का कैरी का कैरी सी, सी का इक्वल टू क्या लिखेंगे इक्वेशन, मेरा एक ही हाई है यहाँ पे 1, तो क्या होगा ए बी, सिंपल क्या हो जाएगा
ए बी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सम, ये हो गया कैरी। अगर फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो फंक्शन ऑफ ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सम, ये हो गया कैरी। अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम किसका बनाते हैं हम लोग, जो आउटपुट आया है सम एंड कैरी। तो सम इक्वल टू मेरा क्या आया है, सम इक्वल टू आया है ए जोर बी। जोर गेट क्या है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। कैरी क्या आता है, आया है मेरा ए बी। ये आया है जोर गेट, ये आया है मेरा एंड गेट। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो दो को टू इनपुट्स लेंगे जोर गेट। सम के लिए हम लोग जोर गेट सिंपल बनाएंगे। तो सपोज जोर गेट किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ये ए है ये बी है। तो ये आउटपुट इसका जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए सम यानी ए जॉर बी। अब इसका हम लोग सिंपल यहां से ले लेंगे तार, इधर एक तार इधर से, तो क्या हो जाएगा मेरा एंड गेट। तो ये मेरा क्या हो गया कैरी। तो ये मेरा क्या हो गया सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर। तो ये था ऑल अबाउट हाफ एडर। इसमें हम लोग बस इतना ही पढ़ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फुल एडर पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।